शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुद्ध बेटा, क्या लिखा है इसमें? पापा जी, ये वरुण जी ने। चाचा जी, हम बताते हैं, दीदी बता नहीं पाएंगे। वरुण जी हमसे इतना प्यार करते थे ना कि उन्होंने अपना सब कुछ हमारे नाम लिख दिया। देखिए ना, वरुण जी तो चले गए, पर इस घर से आप सब से हमारा रिश्ता ना टूटे, इसीलिए ये चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। अब इस घर के आधे हिस्से की मालकिन हम बन गए, तो हम और हमारे पति जी आराम से रहेंगे अपने हिस्से के घर में, और परिवार भी नहीं टूटेगा। कीर्ति, क्या करने जा रही है तू? बहुत बड़ी गलती कर रही है तू कीर्ति। तुझसे कह रही हूँ, अभी वक्त है, संभल जा। ऐसा ना हो कि बाद में तुझे बहुत पछतावा हो उस बात का। नहीं पछतावा हम अभी रहे आपकी बातों पे भरोसा करके। ये सब आपको तब सोचना चाहिए था जब आपने हमारे वरुण जी की बलि चढ़ा दी, मार डाला उनको आपने। जबान संभाल के कीर्ति। खबरदार, हमसे ऊंची आवाज में बात मत करना। और हम पे क्या चिल्ला रहे हो? आज तक ये इस घर में त्रिपाठी निवास में जो भी हुआ है वो सब तुम्हारी बीवी की मेहरबानी से हुआ है। कैसे भी करके तुम अपनी सारी गलतियों का इल्जाम श्रद्धा पे लगा ही देती हो। इस बार क्या सोचा तुमने? हाँ, कहीं श्रद्धा ने तुम्हारी शादी तो नहीं करवा दी? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तुम्हारी नई माँ को जो घर में लेकर आई, जिन्होंने हमें सुहाग को लेकर ताना मारा, बस उनका वही आइडिया हमें पसंद आ गया। तो इसके आगे जो भी सवाल है ना, तुम इनसे पूछो, क्योंकि सारी फसाद की जड़ ये है। वैसे आप लोग तो हमारा स्वागत नहीं करेंगे ना, आप लोग का मातम जो चल रहा है, तो हम अपना और अपने पति का अपने घर के हिस्से में खुद ही स्वागत कर लेंगे। क्यों पति जी? हमारी मेहरारू हमसे कुछ कहे और हमारा ध्यान कोई और की मेहरारू पे हो, ऐसे तो हम बिल्कुल भी नहीं है, वेरी वेरी मच बिल्कुल भी नहीं है। तो बीवी जी, आप तो हमें बस आगे का रास्ता दिखाइए। चलो, दो एकम दो तो दोनी चार, आखन ही आखन में हो गया प्यार। तीन दूनी छह, चार दूनी आठ, प्यार हुआ ऐसे भूल गए हर दांत। क्या कीर्ति ने ऐसा क्यों? उस गुलाल से शादी कर ली? कि क्या क्यों क्या क्यों क्या लगाया हुआ है तुमने? आखिर बहने हो ना, तो हरकतें भी एक जैसी होंगी। अरे बाहर से कोई भी कूड़ा करकट को उठा के घर पे ले आना, जैसे तुम इस औरत को लेके आई हो। और तुम्हारी बहन कीर्ति दूसरे को ले आई। ये दोनों बहनों ने ना इस घर को एक सस्ता सराय बना दिया है। धनुजा, अरे श्रद्धा तो सबके भले की बात। अरे तुम चुप रहो, एकदम चुप।
ये सारी आग ना तुम्हारी लगाई हुई है, जिसकी चिंगारी हमारे पूरे घर में फैल गई। अरे चुप हो जाओ सब, मुसीबत आ गई है ना सर पे, अब शांति से बैठ के सोचें इससे निकले कैसे। फिर से इन पे हाथ उठाने की ना कभी हिम्मत मत करिएगा आप। ये आपकी छोटी बहन के हमारे पति जी, ये हमारे पति हैं, इनके साथ हम इसी घर में रहेंगे। कैसे कर सकती है कीर्ति इतनी बड़ी गलती। मैं मानती हूँ कि वो मुझसे नाराज है, तो मुझसे बदला लेने के लिए वो अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करेगी क्या? श्रद्धा, मुझे कीर्ति के लिए बहुत डर लग रहा है अभय। और सच कहूं अभय, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था। कीर्ति के दिमाग में कुछ तो चला। नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने हमेशा कीर्ति की मदद की, उसका साथ दिया। अब ये बात अगर उसे समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसकी दिक्कत है। नहीं अभय, जैसे आप दिक्कत समझ रहे हैं ना, तो मुझे डर है कि आगे जाके वो सबकी मुसीबत का कारण ना बन जाए। मुसीबत तब बनेगा जब हम उसे बनने देंगे। और मैं पहले ही तुम्हें बोल रहा हूँ श्रद्धा, ये कीर्ति की जिंदगी है, उसे जीने दो। तुम बीच में नहीं आओगी। जब उसने ये सब कुछ करने से पहले हमारी सलाह नहीं ली, तो हमारा बनता भी नहीं सलाह देना। नहीं अभय, उसने जो लड़का अपने लिए ढूंढा है वो गुलाल, वो सही नहीं है। कॉलेज के दिनों से जानते हैं उसे, ना बात करने का सलीका, ना कोई तौर तरीका, एक नंबर का जाहिल है वो। आते जाते लड़कियों को परेशान करना, कॉलेज के लड़कों के साथ मारपीट, यहाँ तक कि उसने कॉलेज के प्रोफेसर तक को नहीं छोड़ा। अब है इससे शादी की है कीर्ति ने, वो नहीं जानती थी गुलाल जहाँ जा रहा है वहाँ काली पोत रहा है बस। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है अभय। कीर्ति उसके बारे में सब कुछ जानती थी, फिर भी उसने इस गुलाल से क्यों शादी की? मतलब कीर्ति ने ये सब कुछ सोच समझ के किया? अभय, कीर्ति ने ये सब कुछ अपनी जिद में किया है, बहुत जिद्दी है वो, मगर वो ये नहीं समझ रही है कि ऐसा करने से वो सिर्फ अपनी जान को खतरे में डाल रही है। हमें उसे रोकना होगा अभय। श्रद्धा, कुछ भी करने धरने का टाइम चला गया है। कीर्ति ने शादी कर ली, जमाई राजा घर आ गए हैं। तो भाई, मैं इस वक्त सिर्फ इतना जानती हूँ कि कीर्ति की ये शादी कहीं उसकी बर्बादी का कारण ना बन जाए। इसे कैसे रोकना है ये मैं जानती हूँ। कैसे पता चलेगा बेबी जी के दरवाजे पे कौन है, जब तक आप बताइएगा नहीं कि कौन पठार रहा है। आप भी ना पति जी, साली जी आई है आपकी। अरे रे रे रे, साली शरीफा, पहले बेबी जी को चाय तो पिलाई दे, ये लीजिए, इसके बाद भेजवा कर लेंगे साली जी से। साली को पूरी दुनिया कह रही आधी घर वाली, हम तो घर को देख के ही खुश हो गए। अपना दिल खाली ना घर खाली, दूर रहने गया आपसे तो पास आ गए। अरे हमारा जलवा ही कु अरे सासू माँ आप प्रणाम, भाग्य खुल गए हमारे, नहीं आपके, जो आपको दर्शन हुए आपके जलवेरा जमाई के। और पीछे क्या करें, फटाफट आगे आइए, आगे आइए। और आते ओहो ससुरा, हमारा मतलब ससुर जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। वेरी मच ओके,
हम खुद ही को आशीर्वाद दे देते हैं, सौभाग्यशाली भव। बाकी तो जाकी रही श्रद्धा जैसी, गुलाल मुहूर्त देखे तिन तैसी। कर आई ना हमारी चुगली मम्मी के पास, और फिर हमसे पूछती कैसी जलन। अरे दीदो दिखा दी ना अपनी औकात। कीर्ति अपनी बड़ी बहन से तुम इस तरह से बात करने लगी हो आजकल? अरे जब तुम्हारी भाषा ऐसी हो गई है तो शर्म तो तुम पहले ही बेच खाई हो। कीर्ति इतना बड़ा कदम उठाते हुए एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में तो सोचा ही नहीं होगा तुमने। हाँ नहीं सोचा, यही समझ लीजिए। बहुत अच्छा हुआ कीर्ति कि सक्षम जी यहाँ नहीं है, काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए। कीर्ति अगर वो तुम्हें इस तरह देखते ना, तुम्हारा ये रूप देखते ना, तो वो सह नहीं पाते। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।